देश और विदेश में राम मंदिर भूमि पूजन की चर्चा है। सभी जगह लोगों में हर्ष उल्लास देखा जा रहा है। कहीं पूजा की गई तो कहीं लोग भजन गाकर अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में साथ दिखे। देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे, कई सालों बाद राम भक्तों का सपना सच कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भी खासा उत्साह देखा गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने निवास पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। उन्होंने कुछ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में स्वरचित भजन गाकर वातावरण को राममय कर दिया। सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। मन में अपने बसाओ अयोध्या, हमने पूरी दुनिया को कहा कि मन में अपने बसाओ अयोध्या और घर घर दीप जलाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। इस मौके पर कई नेताओं के साथ अयोध्या में भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखा। इस ऐतिहासिक दिन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल दिखा। कहीं फुलझड़ी आतिशबाजी तो कहीं होली खेलकर जश्न मनाया गया। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिखे। तो वही दूसरी ओर भाजपा सांसद हंसराज हंस ने गीत गाकर सभी लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी। इस मौके पर हंसराज हंस ने कहा कि समस्त भारतवासियों का 500 वर्ष का सपना साकार होने जा रहा है, जिसका साक्षी देश का हर नागरिक बन रहा है। सारे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जोर से बोलो जय श्री राम। वही बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी राम जन्मभूमि भूमि पूजन के अवसर पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सब जय श्री राम के नारे लगाते बढ़ते चले गए।